गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा की रेसिपी, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा ही, साथ ही इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने डाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिया है अदरक का टुकड़ा, यहाँ पर कुछ गिलोय फ्रेश ले लिया है, आप इसकी जगह पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। यहाँ पर तुलसी की पत्तियाँ ली हैं, यहाँ पर लिया है लौंग 4, 2 इलायची ली है हरी, यहाँ पे लिया है ब्लैक पेपर 4 और दालचीनी, और यहाँ पे गुड़ लिया है। इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चाय बनाने वाला बर्तन ले लिया है और इस पर 4 कप पानी डाल दूँगी। यहाँ मैं 2 लोगों के लिए काढ़ा बना रही हूँ, तो डबल पानी यूज़ करना है हमेशा, तो यहाँ पर इसलिए मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ। अब यहाँ पर हम डाल देंगे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, और अब इन सारी चीज़ों को क्रश कर लेंगे हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने इसे क्रश कर लिया है, अब हम इसे डाल देंगे। अब सेम इसी तरीके से ये जो गिलोय है उसे भी हम क्रश कर देंगे, और इसमें अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर देंगे, उसे भी क्रश कर लेंगे। अब इन चीज़ों को भी हम ऐड कर देंगे पानी में। अगर फ्रेश गिलोय आपके पास ना हो तो आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे तुलसी की पत्तियाँ भी इसमें ऐड कर दी है। अब इसे हमें बॉईल करना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ ना हो जाए, तब तक के लिए हम इसे बॉईल करेंगे। तो फ्लेम यहाँ पे लो कर दिया और इसे हम ढक देंगे। तो अब इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ हो चुकी है, इसे करीब 8 से 10 मिनट के लिए मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गुड़, इसकी जगह आप चीनी या फिर बताशा, मिश्री, कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें मीठा ऐड ना करें, आप इसे डायरेक्टली बॉईल करके छान कर पी सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कप में छान लेंगे। तो यहाँ पर ये बनकर रेडी हो गया है, आप इसे सुबह और शाम दोनों टाइम ये काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।